आगरा से इस वक्त की एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां थाना जगदीशपुरा के अवधपुरी चौकी का मामला सामने आया। अंजलिपुरम अलबतिया शांति वाटिका के नजदीक SBI बैंक की CSP शाखा के अरुण कुमार ने CSP शाखा के अकाउंट से खाता धारकों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। शांति वाटिका अलबतिया स्थित CSP शाखा पर भारी संख्या में खाता धारकों ने जब पहुंचा तो देखा और पता चला कि अरुण कुमार वहां से CSP शाखा को बंद कर फरार हो गए हैं। इसके शिकायत खाता धारकों ने बोधला स्थित SBI बैंक पहुंचकर शाखा प्रबंधक से की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स, मौके पर पहुंचे थाना जगदीशपुरा इंस्पेक्टर ने खाता धारकों को SBI बैंक के प्रबंधक को एप्लीकेशन देने को कहा। खाता धारकों के मुताबिक अरुण कुमार और उसकी पत्नी ने CSP शाखा के खाता धारकों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। पीड़ित खाता धारकों के मुताबिक 10 साल से CSP शाखा को चला रहा था अरुण और उसकी पत्नी। SP प्रोटोकॉल श्री राम यादव के मामला में संज्ञान में आने के बाद SP प्रोटोकॉल श्री राम यादव ने मामले की जांच के लिए आदेश दिए। शिवम पचौरी की रिपोर्ट, ब्यूरो चीफ आगरा। मुझसे बोली कि मेरी बेटी बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद में मैं आई हूँ, मेरी तालाब गई तो खाना लगा पाया। मेरा पैसा बैंक खाते में 5,000 आती है, 5,000 रुपये मेरे जमा हुआ है। गुस्से में ऐसे बोल रही थी वो मेरी